हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा कुकिंग एंड लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने किचन में एगलेस केक बताने जा रही हूँ, बिना अंडे का केक। वो भी बहुत ही स्पंजी केक बनेगा। और ये एक बिस्किट का केक है, बोरबन बिस्किट जो होता है उसका केक मैं बनाने जा रही हूँ। तो आइए देखते हैं किस तरीके से बनेगा, इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो उसके बगल में बेल बटन है उसको प्रेस करिए, ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास आए। तो आइए चलिए देखते हैं किस तरीके से बिना अंडे का बहुत ही स्पंजी केक बनता है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बॉर्बन बिस्किट का केक, तो जो कि मैंने क्रिसमस के दिन बनाया है, और ये बहुत ही इजी तरीके से बहुत ही जल्दी बनता है एगलेस केक कुकर में। तो आइए चलिए इसको बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, केक बनाने के लिए मैंने लिया है ये बॉर्बन का बिस्किट बड़ा पैकेट, और इसको बनाने के लिए मैं पहले इन बिस्किट्स को मिक्सी में पीस लूँगी, फिर बनाते हैं। तो चलिए बनाते हैं आज केक, और आज 25 दिसंबर भी है, तो मैंने सोचा कि आज केक बनाती हूँ, मेरी डॉटर को बहुत ही पसंद है। तो चलिए बनाते हैं केक हम लोग। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बिस्किट को मैंने इस तरीके से दो टुकड़ों में कर लिया है, और अब इसको मिक्सी के जार में डाल देते हैं और इसको मैं पीस लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बिस्किट का महीन सा चूरा बन गया है, और अब इसका केक बनाते हैं। तो देखते हैं और हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए होगा। तो चलिए बनाते हैं यम्मी सा केक। तो ये देखिए फ्रेंड्स, केक बनाने के लिए मैंने ये जो मिक्सी में ग्राइंड किया था बिस्किट वो है, और थोड़ा सा मैंने ये गरम दूध लिया है, और ये बेकिंग पाउडर 1 चम्मच डालेंगे, और वनीला एसेंस। ये वनीला एसेंस ऑप्शनल है, आपका मन करे तो डालिए, मन करे तो ना डालिए। मैंने फ्लेवर के लिए डाला है, और पिसी हुई चीनी ली है, तो ये भी मैं 2 चम्मच डालूंगी, क्योंकि बोरबोन बिस्किट के ऊपर भी चीनी लगी रहती है, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं डालूंगी। और ये बटर इसको अभी मैं पिघला के डालूंगी, क्योंकि अभी पहले से पिघला लेती थी फिर ये जम जाता, क्योंकि सर्दियों के दिन हैं, तो इसको अभी मैं पिघला के इसमें डालूंगी। तो आइए चलिए बनाते हैं केक। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पहले मैं बटर ही डाल देती हूँ, क्योंकि मैं इसको अभी गर्म करके लाई हूँ। और 2 चम्मच शुगर, थोड़ी सी और डाल देते हैं, और ये वनीला एसेंस की 2 से 4 बूंद सिर्फ डालनी है। ये फ्लेवर के लिए बस थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल देंगे, और ये बेकिंग पाउडर, और दूध थोड़ा थोड़ा सा डालना है, मिक्स इसको करते रहना है। एक साथ डाल देंगे तो पतला बैटर अगर हो गया तो फिर, क्योंकि हमको इसके लिए बैटर थोड़ा गाढ़ा ही चाहिए। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बहुत थोड़ा सा दूध और डाल देते हैं। बस ये इतना थिक बैटर ठीक है हमारा। और अब इसको केक टीन में डाल के पहले कुकर को रख देंगे प्री हीट के लिए, उसके बाद इसको केक टीन में भरते हैं। तो आइए चलिए बनाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुकर मैंने प्री हीट के लिए चढ़ा दिया है पहले से, और अब मैं ये केक टीन में अपने बटर को लगा रही हूँ।
अच्छे से बटर को लगा देंगे ताकि हमारा जो बैटर है वो नीचे ना चिपके। और थोड़ा सा इस पर इस तरीके से ये आटे को छिड़क देंगे। और अब इसमें ये बैटर को डालते हैं। तो ये देखिए इसमें मैंने सारा बैटर डाल दिया है और इसको हल्का सा ऐसे टैप टैप कर लेंगे ताकि इसमें एयर बबल्स ना रहे। और अब इसको रखते हैं कुकर में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुकर हमारा प्री हीट हो चुका है और इसमें मैं पहले ये स्टैंड को रखूँगी और उसके बाद अपना ये केक का मोल्ड इसमें रख देंगे। और मीडियम टू लो फ्लेम पे 25 से 30 मिनट तक इसको हमें बेक करना है। और कुकर की सीटी और रबड़ दोनों को निकाल लिया है मैंने और अब इसको मैं बंद कर दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुकर का मैंने ढक्कन लगा दिया है और अब इसको मैं 25 से 30 मिनट तक इसे बेक होने दूंगी और फिर एक बार चाकू डाल के मैं चेक कर लूंगी कि केक मेरा पका है कि नहीं, अच्छे से बेक हुआ है कि नहीं। तो चलिए इसको होने देते हैं और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे हमें बेक करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये केक हमारा बनके तैयार हो गया है और मैंने ये इसमें ये देखिए चाकू बिल्कुल हमारा क्लियर निकला है, यानी कि केक हमारा पक चुका है। तो अब इसको थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं फिर इसको प्लेट में निकालेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये केक हमारा बन चुका है, ये देखिए कितना स्पंजी है और अब ये ठंडा भी हो गया है। तो इसको मैं अब एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये देखिए, ये हमारा केक बनके तैयार है। और इसको मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर देती हूँ। काजू से तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये केक हमारा बनके तैयार हो गया है। और आपको ये मेरे केक की रेसिपी कैसी लगी? आप भी क्रिसमस के दिन अपने घर में इस तरीके से केक बना के सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको काट के थोड़ा सा। ये देखिए अभी ये थोड़ा गर्म है तो सही से कट नहीं पाया है, लेकिन देखिए ये कितना, ये देखिए कितना स्पंजी है। तो इस तरीके से आप भी केक बना के एंजॉय करिए। तो आई होप आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को क्लिक करिए ताकि मेरी जो भी लेटेस्ट अपडेट हैं वो आपके पास आएँ सबसे पहले। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय, टेक केयर, हैप्पी क्रिसमस। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बॉर्बन बिस्किट का केक, तो जो कि मैंने क्रिसमस के दिन बनाया है और ये बहुत ही इजी तरीके से बहुत ही जल्दी बनता है एगलेस केक कुकर में। तो आइए चलिए इसको बनाते हैं।